मियां नवाज शरीफ साहब का जरा 9000 वोट रिजेक्ट किए ना पतली स्याही पे इस तरह लाया कि दो हटाए ना लगी नहीं इधरों मोहर है इधरों शहर का निशान है उतर कसोरी नाल भी बाहर नजर आंदी है जी क्रॉस फौज सुन घोड़े पकड़े ना जो उनके लंदन पे जा ना बाबा मोड़ पाकिस्तान इमरान के हाथों पाकिस्तान तबाह रहे नवाज शरीफ साहब आप आए राष्ट्र गवादर गया डॉलर 105 से 270 पे गया आटा आजकल के रेट है आओ एक कम करे नवाज शरीफ साहब दे घोड़े पकड़न आखा आओ जी फौज सुन घोड़े पकड़े ना जो उनके लंदन पे जा ना बाबा मोड़ पाकिस्तान रोड़ दे लगेगा इमरान के हाथों पाकिस्तान तबाह रहे नवाज शरीफ साहब आप आए फिर नवाज शरीफ आया फिर वो कुव्वतें जो चाहती थी कि नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम ना बने उन्होंने एक प्लानिंग की और 5 बजे ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ मानसरा से हार गए अले रिजल्ट तो जुलते हासिल काले टाके में 22,000 औरत सौ वोट पाए मैं पूछता हूँ इलेक्शन कमिश्नर तुमने जो स्टाफ भेजा था वो खवातीन जुदबा में रोक गई और मार्कियों से उठाकर लड़कियां होटलों की वेटर्स को टीचर बना के भेजा और ठप्पे लगा के 22,000 वोट डाल दिए हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन दी नए रियासी 22,000 कब्रा जीनिया गेड़ो फिर भी नहीं पूरा तुसन ताले उसी वोट दे तले मोर ला दे इलेक्शन कमीशन मियां नवाज शरीफ साहब का जरा 9,000 वोट रिजेक्ट किए ना वो पतली स्याही बिच इस तरह लाया कि दो हटाए ना लगी नहीं इधरों मोर है इधरों शहर का निशान है उतर कसोरी नाल भी बार नजर आंदी है जी क्रॉस हो गया ताकि जिस वे अदालत में सफदर जुले मुस्लिम लीग जुले आखा जी डबल मोर है मोर तो तुसर तला समझाए अमले के दसिया से सफेद जगह तलाओ उन्हें पिछक के सजाई जिस कैंडिडेट ते निशान दे तला बैठ बैठ पा छोड़ समझो उसको इलेक्शन कमीशन नहीं जितना नहीं सरदार यूसुफ साहब दे पिछले 2018 में उतर शहर तला पैड हार गए अस तो उतर शहर तला पैड 4,000 वोट हो चुका रहा इस पैडा कड़ो समझो इलेक्शन कमीशन आ लियो मगर इलेक्शन कमीशन क्या करे 47 से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन का फेलियर है इन्होंने गलत इलेक्शन करवाया हमारा मुल्क छोड़ के रख दिया मशरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया इन्होंने तबाही कर दी ऐसे इलेक्शन कमीशन से हम किसी इलेक्शन की तो नहीं कर सकते जहां पर सिफारशी बैठे हों जहां पर नायल लोग बैठे हों रिटायर्ड लोगों का क्या काम है इलेक्शन कमीशन में सर्विंग लोग बिठा लो कल किसी जवाब दे इन रिटायर्ड जजों को ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा होना चाहिए इलेक्शन में धांधली करवाते हैं ये लोग 2018 का इलेक्शन चोरी करवाया किसी ने नहीं पूछा 2017 में नवाज शरीफ को निकाल दिया काश्मीर गवादर रुक गया डॉलर 105 से 270 पे गया आटा आजकल के रेट है